हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे HTML के अंदर टेक्स्ट स्टाइल्स और लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर हेडिंग के लिए यूज किया जाता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये सब हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हेडिंग्स को कैसे यूज करते हैं। आज हम सीखेंगे पैराग्राफ्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। आइए हम इसको प्रोग्राम में एग्जांपल में समझते हैं। और प्रोग्राम में एग्जांपल से मैंने नोटपैड में सबसे पहले पैराग्राफ्स को कॉपी कर लिया है बॉडी के अंदर, और कई सारे पैराग्राफ्स के अंदर नोट कर लिए हैं, और आज आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करते हैं। ये फाइल है जिसमें हमने मैटर लिखा है, और मैटर क्या लिखा है, ये पैराग्राफ की फॉर्म्स में हमने कुछ मैटर लिखा है। अब इसको पैराग्राफ की फॉर्म्स में ही आना चाहिए, हम ये सोच रहे हैं। इस पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके हमने ओपन विद एक्सप्लोरर कर दिया। अब ये एक्सप्लोरर फाइल में हमारी खुल जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैटर आया है वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं आया, देख रहे हैं, सारा मैटर ऐसे लिखा हुआ, कहाँ पैराग्राफ क्लोज है कहाँ खत्म है समझ में ही नहीं आ रहा हमें। तो यही चीज है, इसी के लिए हमें टैग दिया गया जिसका नाम है पैराग्राफ। तो देखिए हम अपने फाइल के अंदर जाके जहां जहां पैराग्राफ शुरू हो रहे हैं और जहां जहां क्लोज हो रहे हैं उसके पहले पी लगा दीजिए। ये पी लगाया, पी फॉर पैराग्राफ, ये स्टार्टिंग वाला पी लगाया, इसका क्लोज कहाँ हो रहा है, ये देखो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर स्लैश पी लगा दिया, ये क्लोजिंग पैराग्राफ है। उसके बाद एंटर मारा, यहाँ पे फिर स्टार्टिंग पैराग्राफ शुरू कर दिया, और उसके बाद जहाँ क्लोज हो रहा है जहाँ खत्म हो रहा है वहां पे फिर एंडिंग लगा दें। इस तरीके से हम लगाते हैं, और इसके बाद अगले पैराग्राफ के लिए हमने फिर ये लगा दिया, यहाँ पे जहाँ क्लोज हो रहा है यहाँ पे फिर इसको एंड कर दिया टैग को, ठीक है। तो हमने इसको पी और एक और लगा दिया यहाँ पे स्लैश पी और यहाँ पे, ठीक है, ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद जहां जहां हमारा पैराग्राफ क्लोज हो रहा है वहां वहां पे हमने ये सब चीजें दे दी, ठीक है, एक स्टार्टिंग का दे दिया एक क्लोजिंग का दे दिया, ऐसे यहाँ भी किया क्लोजिंग स्टार्टिंग क्लोजिंग स्टार्टिंग, दोनों चीजें एक साथ देते जा रहे हैं हम। आप भी समझ रहे होंगे मैं कैसे कर रहा हूँ, हर जगह पैराग्राफ दे दिए मैंने, यहाँ पे क्लोजिंग का स्टार्टिंग का दे दिया, अगले वाले की स्टार्टिंग हो रही है, पिछले वाले की क्लोजिंग हो रही है, और यहाँ पर भी हमने क्लोजिंग कर दिया, और पैराग्राफ कुछ नहीं दिया, बस इतना काम कर दिया, इसको सेव कर दिया। नाउ अगेन मैं इसको वहां पर खोलूंगा और यहाँ पर रीलोड कर दूंगा। तो आप देखेंगे अब हमारा जो मैटर है वो प्रॉपर पैराग्राफ्स की फॉर्म में आ गया, दिख रहा है, तो ये मैटर हमारा प्रॉपर पैराग्राफ्स की फॉर्म में आ गया। इस पे कोई हेडिंग वगैरह नहीं डाली है हमने, हेडिंग वगैरह भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उन चीजों को मैं अलग तरीके से डिस्प्ले कराऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके सामने पैराग्राफ को आपने सीख लिया। पैराग्राफ जब भी आप कोई मैटर लिखेंगे स्क्रीन पे तो उसको पैराग्राफ्स की फॉर्म में, बॉडी के अंदर पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखें। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या था, पैराग्राफ खत्म हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है। एचआर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन में इसके तीन वो बेसिकली एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है अलाइन, एक होता है साइज और एक होता है विड्थ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के तीन एट्रीब्यूट्स हैं। अलाइन मींस अलाइनमेंट, कि ये लेफ्ट अलाइन रहनी चाहिए, ये राइट अलाइन रहनी चाहिए, ये सेंटर में आनी चाहिए। उसका साइज कितना होना चाहिए, साइज का मतलब उसके एक कैपेसिटी से है कि उसकी जो वो दिखाई दे रही है इंटेंसिटी, वो कितना बड़ा कितनी चौड़ी से दिखाई दे रही है, और ये विड्थ उसको कितना लेंथ की रखनी है। तो अभी इसको देखते हैं हम एचआर को बना के कैसे करना है। मैं एचआर बना रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, यहाँ पे आए हमने इस पहला पैराग्राफ के बाद में एक एचआर दे रहे हैं हम, एचआर हमने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया एचआर, तो क्या होता है जरा देखते हैं। पहले तो ये शायद आप सब लोगों ने करके भी देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने करके दिखाया था, मैंने यहाँ पे एचआर लिखा और रीलोड किया। तो देखिए पूरी एक लाइन आ गई, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी लाइन आ गई, ठीक है। तो ये तो एचआर था, सिर्फ इतना देते ही एचआर हो गया। अब हमने इसके अंदर दो तीन चीजें रखी हुई है, एक अलाइनमेंट, एक विड्थ और एक साइज। तो मैंने लिखा अलाइनमेंट में मैंने लिखा लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद था साइज, साइज में आप दे सकते हो 1, 2, 3, 4 कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया 2, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देगा। उसके बाद दे दी विड्थ, और विड्थ में मैंने दिया 10, तो ये साइज जो है इसका 10 आएगा। ये हमने एचआर दिया, इसके अंदर हमने ये तीन एट्रीब्यूट्स रख दिए, तीनों एट्रीब्यूट्स आपके सामने दिखा रहे हैं, एक अलाइनमेंट का, एक साइज का और एक विड्थ का।
इसको सेव कर दिया। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं। हमने यहाँ पे रीलोड किया, देखिए क्या हुआ। ये साइज देखो कितना छोटा सा आया, 10 है ये 10 है, इतना छोटा सा आया। और बढ़ाई करूंगा और बड़ा हो जाएगा, देखो विड्थ बढ़ाई करूंगा बड़ी हो जाएगी। देखो और जाके बढ़ाते हैं, यहाँ पे हमने 50 कर दिया। और बढ़िया, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा यार। कहां तक लेना है आपको ये देखें, आप पिक्सल्स की फॉर्म में दे रहे हैं या फिर आप जो है परसेंटेज की फॉर्म में दे रहे हैं। अगर पिक्सल की फॉर्म में, ये फिक्स्ड फॉर्म है, फिक्स्ड फॉर्म होती है पिक्सल की फॉर्म में, जब हमने 10, 20, 30 दिया, परसेंटेज दोगे तो आपका जो वेब पेज है उसकी परसेंटेज में लेगा। अब हमने लिखा 50%, 50% का मतलब क्या हुआ, पूरी जो वेबसाइट का जो पेज खुला हुआ है ना उसका 50% लेगा। अभी उस पूरी वेबसाइट का आधे तक लेके गया। अपने लेफ्ट लाइन कर रखा था तो लेफ्ट साइड आया, राइट लाइन करेंगे तो ये इस साइड को आ जाएगा। देखिए हम राइट लाइन करके देखते हैं, थोड़ा चेंजेस करके देखते हैं। लेफ्ट था, हमने इसको राइट लिख दिया। कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट लाइन किया, 50% आया, देखिए चेंजेस किए तो ये राइट लाइन हो गई, तो हमारी लाइन जो है वो इस तरफ आ गई। और सेंटर करेंगे तो आप समझ रहे हैं, सेंटर करेंगे तो क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये कर दिया और देखिए इस तरह चेंजेस, देखिए इसी तरीके से। और ये ध्यान से देखिए, आपने 50% दिया है तो जब आपका वेब पेज छोटा खुला होगा तो ये अपने आप अपनी ये भी छोटी होती जाएगी, देख रहे हैं, क्योंकि आपने परसेंटेज दी है। जितनी बड़ी ये खुली होगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती जाएगी परसेंटेज के फॉर्म में। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फिक्स साइज दे दिया तो ये फिर फिक्स ही रहेगी, 50 दिया तो 50 ही रहेगी, 50 में फिक्स्ड है। और परसेंटेज लगाने से वो उसका अपने आप कैलकुलेशन करता है, वेब पेज कितने साइज का है उसके अकॉर्डिंग वो 50% निकालता है। अब देखो मैं 50 करा, ये 50 साइज ही रहेगा, इतना ही रहेगा, चाहे आप कितना बड़ा कर लो चाहे आप छोटा कर लो। तो हमने तीनों चीजें सीख ली आपके इसके अंदर। पहला सीखा हमने इसके अंदर अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट या सेंटर, सेंटर में लाइन रखनी है तो कैसे आएगी, साइज 1, 2, 3, 4, इसको साइज को और बढ़ा सकते हैं हम, साइज 1, 2, 3, 4 ही होना चाहिए, साइज को बढ़ा के देखो भाई। लास्ट में लिखा हुआ है ये जो बनाया हुआ है, इंसर्ट द कमेंट, ये जब भी हमें कमेंट डालने हो कि जिसके बारे में हम दिखाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट डालना चाहते हैं तो आप ये डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से, एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा के यहाँ पे लिखा, ये दो लगाने हैं। उसके बाद लिखा यू आर बैड पर्सन, ये लिख दिया मैंने। अब ये लिखा हुआ है और इसको बंद कर दिया, तो ये सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है तो ये स्क्रीन पे नहीं आएगा, ये स्क्रीन पे नहीं आएगा, देखे आएगा तो नहीं आएगा, आया नहीं। क्योंकि जब भी आप इस तरीके से टैग लिखोगे, जो भी लिखोगे वो सिर्फ कमेंट में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या था, टेक्स्ट की स्टाइल्स। टेक्स्ट की स्टाइल्स के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कुछ टेक्स्ट है। सबसे पहले बी, बी हमने सीखा था बोल्ड करने के लिए, आई, आई किसी भी फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए, यू किसी जगह पर अंडरलाइन लाने के लिए। हम एक चीज को करके देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हमने कुछ मैटर लिखा इस पैराग्राफ से पहले ही, बीच में सेंटर में करते हैं इस जगह, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ सेंटर में लिखा ATS, इसके आगे आप पीछे आपने व्यू कर, बी कर दिया, बी मींस बोल्ड हो गया, तो जानते हैं कल करके भी देखा था। ऐसे ही हमने यहाँ पे ATS को लिखा, अगला एक बटन बना दिया यू, यू फॉर क्या हो जाएगा अंडरलाइन, और एक बना दिया आई, आई से क्या होगा। तो ये तीन टेक्स्ट हमारे सामने आए, HR लगा दिया मैंने आगे और पीछे, दोनों तरफ HR लगा दिया इसके नीचे आगे, और इसके आगे BR भी लगा दिया, BR और BR, आपको पता है BR किसने लगाया, सेव कर दिया। ये तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है, बेसिकली हमने इन तीन चीजों को यूज करना सीखा है। देखिए हम यहाँ पे आए और यहाँ पर हमने चेंजेस किए, पहला ATS कैसा आया बोल्ड, दूसरा अंडरलाइन और तीसरा इटैलिक।
ये तीनों स्टाइल को हमने इसलिए एक ही साथ दिखा दिया आपको। अब एक ही चीज पे सारी चीज इंप्लीमेंट करनी हो एक साथ तो कैसे करेंगे, ये भी कर सकते हैं बड़े आराम से। मैंने अगरा ये सारे हटा दिए और एक ही वर्ड इसी वाले पे ही, जैसे ये पहला वाला था इसी पे ही मुझे अंडरलाइन भी करना है तो अंडरलाइन भी कर दिया, इसी पे ही मैंने इटैलिक भी करना है तो इटैलिक भी कर दिया। यही सब चीजें यहाँ पर भी करेंगे, जो पहले खत्म किया है वो पहले क्लोज करेंगे और एक ही वर्ड पे सारा कुछ इंप्लीमेंट कर दिया। देखते हैं इसको ध्यान में चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। तो पहले वाले में बोल्ड भी हो रखा है, अंडरलाइन भी हो रखा है और इटैलिक भी हो रखा है, तीनों चीजें एक ही साथ इंप्लीमेंट कर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो अंडरलाइन करना हो तो ये तरीका था आपको करने का। अब आते हैं हम सेंटर पे। अब जैसे मैटर्स, जैसे अभी लाइन देखा था सेंटर में कर दी थी हमने, किसी वर्ड को भी अगर सेंटर में करना हो तो उसको सेंटर में ले आइए। जो अंडरलाइन वाला वर्ड है ये, इसको मैं सेंटर में लेके जाता हूँ। यहाँ पे इसके आगे सेंटर लिख दीजिए, सेंटर, ठीक है। इसके लास्ट में भी सेंटर लिख दीजिए, यानी कि टैग को क्लोज कर दिया, टैग बना दिया, टैग को क्लोज कर दिया। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें पता है बूढ़ा हो गया हूँ, अब स्पेलिंग गलत हो जाती है मेरी। अब इसको सेव करके इसको देखते हैं कैसे काम करता है, ये चल रहा है नहीं चल रहा है देखते हैं चल के। तो बीच वाला जो ATS था वो सेंटर में आ गया स्क्रीन के, और ये सेंटर में क्या होगा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि मुझे किस पोजीशन में आ रहा है। अभी तो देखो हमारा जो वेब पेज का साइज है, जो ब्राउजर है वो छोटा खुला हुआ है, ब्राउजर को अगर हम बड़ा कर देते तब भी ये एक्चुअली एग्जैक्ट सेंटर में ही मिलेगा, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन भी सेंटर में करी हुई है और ये सेंटेंस भी सेंटर में किया है, तो सेंटर में कर सकते हैं आप। आपने देखा होगा कई बार वेब पेजेस के ऊपर हेडिंग लिखी है, कुछ सेंटर में लिखी है, कुछ लेफ्ट लाइन लिखी है, कुछ राइट लाइन लिखी है, तो आप इस तरीके से सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेंटर में करने का तरीका। नेक्स्ट है, अब आते हैं फॉन्ट। अब किसी भी फॉन्ट को हमें कोई स्पेसिफिक नाम देना हो, फॉन्ट फेस होता है, जैसे कि इटैलिक होता है, सॉरी एरियल होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, और ये कॉमिक सेंस है, बेल एम्प्टी है, बहुत सारे नाम होते हैं, इनको फिट करना हो तो कैसे करेंगे। अब हमने कोई वर्ड लिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि हमने ATS ही लिया था, हमने ATS के अंदर भी सेंटर में कर दिया, नीचे वाले को हम इटैलिक हटा रहे हैं और इसके आगे हम फॉन्ट लगा रहे हैं, ये इसको BR को थोड़ा नीचे कर देते हैं, इससे हमें इस पर काम करने में आसानी होगी। हमने लिखा फॉन्ट फॉन्ट, ठीक है, और इसको क्लोज भी कर दिया फॉन्ट। अच्छा, फॉन्ट के हमारे बेसिकली तीन एट्रीब्यूट होते हैं इसके भी। पहला एट्रीब्यूट है फेस, फेस में हमें लिखना है उसका नाम क्या है फॉन्ट का। दूसरा है साइज, उसको 1 से लेकर 7 तक, इसकी जो बेसिकली मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 1 से लेकर 7 तक है, 1 to 7 तक है। 1 to 7 तक आप कितना भी कर सकते हो, तो छोटा होगा 1 और 7 होगा बड़ा। बाय डिफॉल्ट जो होता है ये 3 होता है, जो अभी साइज दिखाई दे रहा है आपके सामने उसका साइज 3 है, ठीक है। कलर, कलर में आपको कोई भी कलर देना हो तो आप कलर दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं फॉन्ट का फेस देकर। तो हमने फॉन्ट में इसके अंदर फेस दिया, फेस फेस दिया, और फेस के अंदर हमने यूज कर लिया कौन सा था, वो बेल एम्प्टी, ये लिख दिया बस। ATS को हमने ये दे दिया। अब देखते हैं हम इसके अंदर चेंज करके क्या चेंजेस। ये देखिए फॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया, पहले कुछ और डिजाइन था, अब कुछ और डिजाइन हो गया। अब कह रहे कि हाँ जी पता नहीं चल रहा हमें, तो हुआ कि नहीं। कॉमिक सेंस दे देते हैं जो हमने यहाँ पे दिखाया, कई सारे होते हैं फॉन्ट स्टाइल, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि MS Word में आप देखोगे, ये MS Word में देखो दिखाई दे रही है कई सारी लिस्ट है, ये दिखाई दे रही है टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, कॉपर ब्लैक, दिख रहा है कूपर ब्लैक। अगर यही यूज कर दूंगा तो सेम ऐसा ही आ जाएगा, देखो करके देखते हैं। यहाँ पर कूपर ब्लैक, कूपर ब्लैक, देख रहे हो ये कूपर ब्लैक बन गया। अब इसका साइज छोटा बड़ा करना है, हम यहाँ पे गए साइज, साइज साइज कितना देना है, मैक्सिमम कितना होता है 7 होता है, मैंने 7 ही दे दिया मैक्सिमम। अब देखो क्या होता है साइज,
ठीक है, तो ये 7 पॉइंट हो गया। अब इसका कलर देना है, कलर चेंज करना चाहते हो, लो जी कलर भी लो। कलर के बारे में कल आप पूरी कहानी पढ़ चुके हो, कैसे कलर यूज किया जाता है, तो हमने इसका रेड दे दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसको सेंट्रलाइज करना हो तो आप जानते ही हो, सेंटर फॉन्ट भी सेंटर भी दे देंगे कि सेंटर में आ जाएगा। तो हमने यहाँ से उठाया, इसके पहले जहाँ फॉन्ट लगाया उसी को पहले सेंटर कर दिया, या इसके अंदर लगा लो सेंटर, या इसके बाहर लगा लो, कुछ भी कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे उचित लगे वैसे कर लो। सेंटर ले लिया हमने, तो इस तरीके से आप कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, उसका साइज छोटा बड़ा करना, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आपके पास हर एक वर्ड को, हर एक अलग अलग लेटर को, हर एक पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हो। ये लिस्ट के दो टैग होते हैं, दो तरह के टैग होते हैं, एक यू एल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट और ओ एल मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यू का मतलब अनऑर्डर्ड से है और ओ का मतलब ऑर्डर्ड से है, बस इतना सा है। इनके अंदर दो बेसिकली हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है टाइप, टाइप कौन सा चाहिए आपको, फिल राउंड या फिर स्क्वायर। इसके बारे में मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, ये जो लिस्ट है इसे हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हमारे पास बुलेट्स बने हुए हैं, ये देखिए स्क्वायर में है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको साइज। एक तो स्क्वायर फॉर्म में है और एक राउंड शेप में है, ये राउंड है और ये स्क्वायर है, तो ये दो बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट कब कहलाएंगी, जब इसमें नंबरिंग लिखी होगी, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, चाहे 1 2 3 हो या ए बी सी डी हो, कुछ भी हो सकती है ना, ये भी ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये भी ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। और अनऑर्डर्ड कब होगी, जब इसमें सिर्फ बुलेट्स होंगे, चाहे वो राउंड बुलेट्स हो चाहे वो स्क्वायर बुलेट्स हो, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, स्क्वायर बुलेट्स लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट। इसी चीज को बनाने के लिए हमें बेसिकली ये यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट बनानी हो तो हमारे पास जो टाइप है उसके अंदर 1 a small a आई, यानी कि रोमन वाला आई, फर्स्ट इसे बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे चलेगा ये स्मॉल वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरीके से बनाना चाहेंगे तो टाइप लिखेंगे, और अनऑर्डर्ड में दो ही ऑप्शन होते हैं, फिल राउंड और स्क्वायर। आइए इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। और LI का क्या मतलब है, LI का मतलब है लिस्ट ऑफ आइटम। एक भी आइटम, अरे जितने भी आइटम डालने हैं उसके सामने आपको LI लिखना है। कैसे करना है इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आएगा। हमने जितने भी ये अंदर लिखे हुए थे मैटर, उस मैटर को हमने हटा दिया। अब ये बॉडी के अंदर हमें बेसिकली क्या करा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया UL, UL क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इस UL को क्लोज भी कर दिया, ठीक है। अब हमने बाय डिफॉल्ट बनाने, इसके अंदर हमने ले लिया LI, LI क्या होता है, लिस्ट, LI, चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल है कि कैपिटल है। LI लिखा तो पहला आइटम लिखा मैंने, इसके अंदर लिखा राम, दूसरा नाम लिखा, ऐसी LI देंगे, दूसरा नाम लिखा गोपाल, चौथा नाम लिखा कृष्ण, पांचवा नाम लिखा रमेश। ये चार नाम लिखे। अब देखो इसकी, इसको हमने सेव कर लिया है और मैटर को देखो यहाँ पे चेंज करके रीलोड। हमारे पास ये चार पांच नामों की जो लिस्ट आई वो बुलेट्स के फॉर्म में आई, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था। यहाँ ध्यान से देख रहे हो कि हमने ना तो बुलेट लिखा है ना स्क्वायर लिखा है, ऑटोमेटिकली जो आएगा वो आएगा राउंड वाले आएंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करा, लिख दिया टाइप में, टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, फिल स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का यूज करते हैं इसके अंदर। ये
देखिए स्क्वायर आ गए, जो बुलेट्स बने हुए हैं स्क्वायर में आ गए। आप जो भी इस तरीके से लिखना चाहें, आप इस तरीके से बुलेट्स बना सकते हैं, लिस्ट जो भी बनाना चाहें वो लिस्ट बना सकते हैं, अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट वो भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। और लिस्ट क्या है, वो आइटम्स को शो कर रहा है, ये एल आई क्या है, आइटम्स को शो कर रहा है। और अगर आप राउंड लिखोगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पे जहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आपने राउंड लिख दिया, फिल राउंड, फिल राउंड, तो ये जो ऑटोमेटिकली आ रहा था ये वही फिल राउंड होगा, राउंड। और अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तब भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये राउंड आते हैं। अच्छा, इस तरीके से जब हमने ये बनाया, अब अगर हम इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। मैंने किसी को नीचे कॉपी किया, इसी पूरे मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर लिख दिया, और यूएल की जगह अब हमने क्या बनाया, ओ एल, ओ एल, और लिस्ट ऑफ आइटम दिए, टाइप मैंने हटा दिया। बाई डिफॉल्ट क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब देखो हमने यहाँ पे, तो नीचे क्या आया, नीचे अपने आप ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 लिखा आ गया, और ऊपर वाले में बुलेट्स आ रहा है। तो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब अगर हमें नंबर 1 2 3 4 5 की जगह कुछ और देना है तो कैसे देंगे, हम यहाँ लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में लिख दिया ए। तो अब ये शुरू जो होगा वो ए से शुरू होगा, ए बी सी डी ई, इस तरीके से ये शुरू हुआ। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया स्मॉल वाला ए, तो स्मॉल वाले ए में आएगा, देख रहे, स्मॉल ए बी सी डी। अब हमने यहाँ पे लिख दिया आई, तो आई होता है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से यूज किया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये रोमन नंबर्स में आ गया, ठीक है। आई कैपिटल वाला कर देंगे तो कैपिटल वाले रोमन नंबर्स आ जाएंगे। ये आपके सामने टाइप्स हैं, बेसिकली ये सब ऑर्डर लिस्ट के टाइप्स हैं। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमने नंबर दिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 दिए हैं, ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 कुछ ही लिखा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली तो 1 2 3 फोर आएगा, लेकिन मैंने अपने यहाँ पे टाइप में 1 ही लिखा, 1, तो ये 1 2 3 4 आएंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट जो हो, स्टार्टिंग के लिए कई बार होता है कि हमें स्टार्टिंग 1 से ना करके मुझे 10 से करानी है स्टार्ट, तो ले लिया स्टार्ट 10 करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, सब शायद सब समझ रहे होंगे कहाँ से होगी, स्टार्टिंग 10 से 1 से, ठीक है। इस तरीके से कुछ बच्चे ऐसे भी, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, शायद ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा।